नारायण, अमृत तो आ गया। आशा है कि उसको लेकर आपके मन में कोई पक्षपात नहीं आएगा और इस बार असुरों के साथ न्याय होगा। मैंने वचन दिया था आपको असुर माता, किसी के साथ कोई अन्याय नहीं होगा। लाइए धनवंतरी, अमृत का यह कलश मुझे दीजिए और जो भी इसके योग्य होगा मैं स्वयं उसे अमृत दूंगा। लोभ नाम के विकार के कारण उन्होंने छल से अमृत छीन लिया। अब आप ही निश्चित करें नारायण, वो कौन सा विकार है जिसे शस्त्र बनाकर आप ये अनर्थ रोक सकते हैं। राजा बली, इस अमृत को हमने अर्जित किया है तो इसका वितरण भी हम करेंगे। असुरों को लोभित करना होगा, उनके सबसे बड़े विकार काम को जागृत करना होगा।